और इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, यूपी में आईटी की छापेमारी से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी के ठिकानों पर रेड मारी गई है। कन्नौज में आईटी की छापेमारी चल रही है। पंपी ने दी समाजवादी इत्र बनाया था, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक के बाद एक कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई, पहले कानपुर और अब कन्नौज। आपको ये बता दें कि एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी के ठिकानों पर रेड की गई है। कन्नौज में आईटी की छापेमारी चल रही है। पंपी ने भी समाजवादी इत्र बनाया था और आईटी की छापेमारी यहां पर भी पड़ रही है। एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन है, पंपी के ठिकानों पर रेड की जा रही है। ये बता दें कानपुर में आईटी की रेड चल रही है, लगातार आईटी का सेल छापेमार कार्रवाई कर रही है। और ये बता दें अब समाजवादी करीब है जाहिर तौर पर, तो ऐसे में सवाल जो है एक बार फिर समाजवादियों के लिए खड़ा हो गया यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले भी पीयूष जैन को लेकर भी समाजवादियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब पुष्पराज जैन जिनके ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई की जा रही है कन्नौज में। बिल्कुल, और अभी यहाँ से क्या क्यों मिलता है या क्या क्या चीजें मिलती हैं ये तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल छापेमार कार्रवाई हो रही है। आईटी की छापेमारी लगातार जारी है यूपी के अलग अलग इलाकों में। अब एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी के ठिकानों पर रेड हो रही है। आईटी की ये छापेमारी इस वक्त कन्नौज में चल रही है। आपको ये भी बता दें कि पंपी ने ही समाजवादी इत्र बनाया था, ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टिप स्प्रिंट पर। तो अब यहाँ पर से क्या बरामद होता है, धीरे धीरे वो भी चीजें सामने निकल के आ जाएंगी। प्रभम इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रभम, आपसे अपडेट चाहेंगे, क्योंकि खबर ये आ रही है कि पुष्पराज जैन उनके यहाँ पर अभी आईटी की छापेमारी हो रही है, क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, खबर बिल्कुल सही है। कन्नौज शहर में जो प्रवीण पीयूष जैन का जो घर था उससे कुछ ही दूरी पर पुष्पराज जैन सपा एमएलसी है, इनको पंपी जैन के नाम से भी जाना जाता है, और उनके घर पे भी जो टीम है वह पहुंच चुकी है। बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, गेट बंद कर दिए गए हैं और अंदर जो छापेमारी की कार्रवाई है वह शुरू हो चुकी है। जब पीयूष जैन के घर पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी तब पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन का नाम सुर्खियों में था, उनका इनसे कनेक्शन देखा जा रहा था। हालांकि कनेक्शन निकलकर सामने नहीं आया था, लेकिन अब जिस प्रकार से पुष्पराज जैन के घर पर छापेमारी चल रही है, टीम पहुंच चुकी है, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उनका आपस में कुछ कनेक्शन हो सकता है, लेकिन यह बात अभी स्पष्ट नहीं है। प्रभम, पंपी ही है जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया था? हाँ, पंपी जैन ही है, इनका पूरा नाम है पुष्पराज जैन, ये सपा के एमएलसी है और इन्होंने ही समाजवादी इत्र बनाया था अखिलेश यादव के साथ में। लखनऊ जो ऑफिस है वहां पर इसकी लॉन्चिंग हुई थी। बिल्कुल प्रभम, ये कहा जा सकता है जैसा कि हम पहले से भी जिक्र कर रहे थे कि अब करीबियों के यहाँ पर छापा पड़ेगा, कुछ वही स्थिति अब देखने को मिल रही है, लगातार रेड पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका प्रभम तमाम जानकारी देने के लिए।